हेलो एवरीवन, आज है 6 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया के शेयर में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। शेयर में कंटिन्यूअस गिरावट बनी हुई है और ये गिरावट हर रोज एक बड़ी गिरावट के तौर पर उभर कर आ रही है। 8 रुपए 80 पैसे के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज भी यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या अब ये शेयर सस्ता हो चुका है कि नहीं, क्या अब यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 8 रुपए 80 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और आज भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर से पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब शेयर 7 सितंबर का ही मेरा ये वीडियो था, तब शेयर 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और मैंने कहा था कि अवॉइड करें अभी इसे, जल्दबाजी ना करें। और मैंने कुछ रीजंस भी दिए थे कि क्यों इसको अवॉइड करना चाहिए, और वो मैंने आपको पूरा का पूरा उस दिन एक्सप्लेन भी किया था। 7 सितंबर की बात है ये, मतलब पिछले महीने की ही बात है, एक महीना भी इसको नहीं हुआ है, 12 रुपए शेयर टूट के 8 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। उसके बाद 17 सितंबर को भी मैंने वीडियो बनाया था और तब शेयर 11.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और तब भी मैंने सेम चीज कही थी कि अवॉइड करें अभी, अभी यहां पर जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अभी भी चीजें उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है जितनी क्लियर होनी चाहिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया में मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको मौका दिया है कि भाई अब जो कर्जा है आपका वो चुकाने के लिए आपको 10 साल का वक्त दिया गया है। 50,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है और हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको वक्त जरूर दिया गया, हर साल 5,000 करोड़ रुपए इनको सिर्फ सरकार को चुकाना है और बाकी बैंकों का जो कर्जा है वो तो अलग से रहा। तो भैया, कर्जे के बोझ के तले कंपनी दब के बर्बाद हो रही है। तो इसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जो एक पॉजिटिव डिसीजन है, उसमें कोई शक नहीं है। 35,000 करोड़ रुपए की फंड रेज करने वाले थे वोडाफोन आइडिया, जिसमें से 10,000 करोड़ की जो फंड रेज होने वाली थी वो अपने असेट्स के द्वारा वो लोग करने वाले थे, लेकिन बाकी की 25,000 करोड़ की जो फंड रेज होने वाली है वो अभी तक क्लियर नहीं है। और उसी के लिए मैंने मना किया था कि अभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर कंपनी फंड रेज करती है और अगर इक्विटी इश्यू करेगी तो कहीं ना कहीं शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। आप खुद सोचिए कि एक बहुत बड़ी इक्विटी अगर दोबारा यहाँ पर आएगी तो शेयर में कितनी बड़ी हलचल हमें देखने को मिल सकती है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में आप देखेंगे शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। 12.5 रुपए से शेयर टूट कर आया है 8.80 रुपए। एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में जरूर 74% का ग्रोथ जरूर देखने को मिला है। 3 रुपए से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा था, बाद में एक बढ़िया रैली आई, वापस गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है ये, 25,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 17 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम। देखिए, पैनी स्टॉक है और ट्रेंडिंग शेयर भी है, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिलेगा। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली जरूर करेंगे। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 7.19% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.75, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.57% की होल्डिंग है। तीनों ने, और आप देखिए, तीनों ने बिकवाली की है, तीनों ने यहाँ पर बिकवाली की है और काफी बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली हुई है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखने जाए तो काफी बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पर हमें बिकवाली देखने को जरूर मिली है। आप देखेंगे तो 30 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, 210 एफआईएस ने पैसा लगाया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग है 11.55% जितनी, और डिविडेंड भी 2016 से इसने पे करना बंद कर दिया है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी भी कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत 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 ज्यादा है और उस कर्जे को चुकाने के लिए एक अच्छा सा प्लान चाहिए इनको और एक बड़ी फंड रेजिंग चाहिए, और फंड रेजिंग किस तरीके से होगी वो भी एक देखने वाली बात होगी। जैसे कि यस बैंक ने फंड रेजिंग करी थी और 26 रुपए के ऊपर जब शेयर था तब वो लोग पब्लिक ऑफरिंग लेकर आए थे और 12-13 रुपए के ऊपर शेयर बांटे थे उन्होंने और काफी बड़ा पैसा फंड रेज किया था। अगर हम देखें तो उससे बैंक के पास पैसा आया जरूर ज्यादा, बैंक को स्टेबिलिटी मिली, लेकिन जो शेयर होल्डर्स थे उनकी हालत खराब हो गई। शेयर होल्डर्स का पैसा रातों रात डूब गया, आधा हो गया। तो वो सिचुएशन यहाँ पर है कि यहाँ पर भी हमें चीजें देखनी है कि किस तरीके से फंड रेजिंग होगी, इक्विटी इश्यू करेंगे कि नहीं, किस तरीके से है।
तो वो हमें देखने वाली बात होगी। अगर मान लीजिए कि शेयर 8 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब अगर वो ऐसा बोलते हैं कि हम लोग पब्लिक ऑफरिंग लेकर आते हैं 8 रुपए के भाव पर शेयर आपको देंगे, तो जितना उनको फंड रेज करना है उतना नहीं हो पाएगा। अगर वो सस्ता रखेंगे तो फंड रेजिंग तो शायद अच्छी खासी कर लेंगे, लेकिन जो वैल्यू है शेयर की वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे टूट कर रह सकती है। तो वो चीजें भी यहाँ पर शामिल है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात करें, 1% लोग होल्ड करने की सलाह भी यहाँ पर आपको दे रहे हैं। मतलब 94% लोगों का पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है। एक और तरफ अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया ने खुद को रिब्रांड किया है VI के नाम से, काफी अच्छा रिब्रांड किया है, काफी ज्यादा प्रमोशन इन्होंने किया है। इवन इंडिया अभी जो IPL चल रहा है उसमें आपको वोडाफोन आइडिया की काफी सारी एड्स देखने को मिल रही है, तो काफी ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च भी किया है अपनी ब्रांडिंग को लेकर, और काफी ज्यादा अगर हम कहें तो प्रमोशन करवाया भी है। लेकिन हर क्वार्टर में एक बड़ा नुकसान इनको हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जून 2020 में 25,550 करोड़ के आसपास का नुकसान था, मार्च 2020 में 11,711 करोड़ के आसपास का नुकसान था, दिसंबर 2019 में 6,540 करोड़ के आसपास का नुकसान था, सितंबर 2019 में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान था, जून 2019 में 5,000 करोड़ के आसपास का नुकसान था। तो नुकसान काफी हुआ है, एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं है जिसमें इनको मुनाफा हुआ। पिछले कुछ क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा बड़े लॉसेस हमें इनके देखने को मिले हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है वो है कर्जा। सिर्फ इनको AGR ड्यूज है वही 50,000 करोड़ का कर्जा है, और बाकी जो बैंकों का जो लिया हुआ कर्जा है वो तो अलग से रहा। तो कर्जा अगर हम देखने जाए तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इनका कर्जा हो चुका है, और ये बहुत बड़ी रकम है। और कंपनी अगर हम देखें तो हर क्वार्टर में नुकसान कर रही है, काफी बड़ा इनको लॉस हो रहा है। तो जब तक वोडाफोन आइडिया प्रॉफिट नहीं करेगी तब तक इनके लिए सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। बिजनेस में मानता हूँ काफी अच्छा टेलीकॉम का बिजनेस है, आने वाले दिनों में टेलीकॉम बिजनेस काफी अच्छे से चलेगा और काफी अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो टैरिफ प्लान है उसको बढ़ाने की बातचीत चल रही है, तो अगर टैरिफ प्लान बढ़ता भी है, अगर उसकी कोई खबर आती है तो कहीं ना कहीं वोडाफोन को भी उसमें फायदा जरूर होगा। लेकिन एक और जो दिक्कत है वोडाफोन की वो ये है कि वोडाफोन के जो यूजर्स हैं वो धीरे धीरे अपना नेटवर्क यहाँ से स्विच कर रहे हैं। धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया के यूजर्स इनका नेटवर्क छोड़ के बाकी एयरटेल या फिर जियो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा इनके लिए डिसएडवांटेज भी शामिल हो रहा है ये। इसीलिए कंपनी को रिब्रांडिंग की जरूरत पड़ रही है, कंपनी काफी ज्यादा पैसा खर्च भी कर रही है रिब्रांडिंग को लेकर। लेकिन जब तक इनका कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं आता फंड रेजिंग को लेकर, मेरे हिसाब से अवॉइड करें अभी इसमें खरीदारी करना। और अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी ही खरीदें, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी इसमें फंसाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए। मैं कहूंगा कि वोडाफोन आइडिया में अगर आप सोचते हैं कि शेयर रिवाइव हो जाएगा तो आप छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर लगा सकते हैं, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी लगाकर अपना पैसा ब्लॉक मत करवाना। यहाँ पर कंपनी अच्छी है इसमें कोई शक नहीं है, बर्बाद भी कंपनी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, जी नहीं, एटलीस्ट 3-4 साल तक तो मिनिमम कंपनी चलने ही वाली है, इतनी जल्दी बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, एटलीस्ट 3-4 साल ये जरूर चलेगी आने वाले दिनों में। लेकिन फिर भी दिक्कतें बहुत है, रास्ता काफी मुश्किल है इनका, तो मेरे हिसाब से अभी तो अवॉइड करने की सलाह है वोडाफोन आइडिया में, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें। और अगर 8 रुपए से नीचे अगर आपको मिलता है तो एक छोटी सी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं। अगेन मैं कह दूं 8 रुपए से नीचे मिलता है तो छोटी सी क्वांटिटी खरीदे, और ये सोच के खरीदारी करें कि थोड़ा और नीचे जाएगा तो आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो छोटी छोटी क्वांटिटी अगर यहाँ से ये शेयर 8 रुपए के नीचे जाता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और बाकी की क्वांटिटी आप जब इनका फंड रेजिंग प्लान एक बार सामने आ जाए तब अगर आप चाहे तो उस वक्त खरीदारी करने की कोशिश करिएगा। अभी तो खरीदारी करने की सलाह नहीं है, और अगर आपने खरीदारी कर ली है और आप में पेशेंस है लंबे समय तक रुकने का तो ही आप यहाँ पर बने रहे, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली शेयर में तेजी आएगी। लेकिन पहले फंड रेजिंग प्लान आएगा, फंड रेजिंग प्लान आने के बाद एक बड़ी गिरावट आएगी, गिरावट आने के बाद कुछ महीनों उनको वक्त लगेगा शेयर में स्टेबिलिटी आने में, स्टेबिलिटी मिलने के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा शेयर ऊपर जाएगा। तो काफी लंबा प्रोसेस है ये, और काफी महीने साल भी कंज्यूम कर सकता है ये। तो अभी के लिए छोटा सा निवेश करें, ज्यादा बड़ा निवेश ना करें, और बाकी का निवेश जब फंड रेजिंग हो जाए
तब अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।